नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स इस वक्त काफी गुस्से में है। कभी भारत तो कभी ताइवान तो कभी अमेरिका तो कभी तिब्बत सबको धमकी देता रहता है। अब उसी कड़ी में दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के बाहर दिल्ली बीजेपी के नेता ने ताइवान का पोस्टर लगा दिया, जिससे बीजिंग में हड़कंप मच गया। ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और धमकी भरे अंदाज में कहा कि बीजेपी आग से खेल रही है। बीजेपी आग से दूर रहे और इस तरह की हरकत भारत चीन संबंध को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ चीनी अखबार ने आगे कहा कि भारत के सत्तारूढ़ बीजेपी मूर्खों जैसा व्यवहार छोड़े और ये समझे कि वो आग से खेल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञ लियू काइयो ने कहा कि बीजेपी नेता ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारतीय मीडिया ने ताइवान के नेशनल डे का समर्थन किया है और सहयोग किया है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने भारतीय मीडिया के एक चीन की नीति का सम्मान नहीं किया। चीनी विशेषज्ञों की माने तो भारत का ताइवान के सवाल पर भड़काने का प्रयास भारत चीन रिश्तों पर ऐसा असर डालेगा जिसे फिर ठीक नहीं किया जा सकता। अब शंघाई इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ झाओ गनचेंग ने कहा कि भारत चीन एक चीन नीति को चुनौती देकर आग से खेल रहा है और भारत ताइवान के सवाल पर घरेलू स्तर पर चीन विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। अब भारत सरकार चीन को एक पड़ोसी देश के रूप में व्यवहार करने से पीछे हटने के लिए बाध्य कर रही है। भारत को उस समय आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब उसे आर्थिक और आपसी आदान प्रदान से हाथ धोना पड़ जाए। देखिए, चीनी विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि भारत सरकार खुलेआम अभी भी एक चीन नीति का पालन करती है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर कंधे उचकाने लगती है। अब चीन के रिसर्च फेलो हू जियोंग ने यह कहा कि राष्ट्रवादी बीजेपी अनैतिक तरीके से भारत चीन तनाव के बीच ताइवान के सवाल को भड़का रही है। उसने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है क्योंकि वो ताइवान का कार्ड खेल रही है और ये सोच रही है कि चीन के साथ मोल भाव में काम देगा। तो आप समझ सकते हैं कि चीन कैसे बौखला गया है। अब यहाँ हम आपको एक ये बात बताते चलें कि दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगाए थे जिससे चीन नाराज हो गया। इसके साथ ही साथ आपको एक और बात ये भी बताते चलें कि ताइवान 10 अक्टूबर को अपना नेशनल डे मनाता है और सोशल मीडिया पर भारतीयों ने ताइवान का जमकर साथ दिया था और इसके अलावा दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान को बधाई देते हुए पोस्टर्स भी लगाए गए थे और इसी बात से चीन नाराज हो गया है।